क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर टू अ डी स्लीप दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन दिस स्टोरी रिप बैन विंकल इज़ गुड इस स्टोरी में रिप बैन विंकल अच्छा है बट लेजी मैन बहुत ज़्यादा आलसी है वन डे ही वॉज चीटेड एक दिन वह चीटेड किया जाता है बाय कुछ लिटिल मैन के द्वारा ही स्लेप्ट फॉर मैनी ईयर्स वो बहुत सालों के लिए सो जाता है वेन ही रिटर्न बैक जब वो वापस लौट के आता है टू हीज विलेज अपने गाँव में नो बडी रिकॉगनाइज हिम उसे कोई भी नहीं पहचान पाता मैनी मैनी ईयर्स एगो देअर लिव्ड अ गुड फॉर नथिंग फैलो नेम रिप वैन विंकल बहुत बहुत साल पहले एक गांव में रिप वैन विंगल नाम का व्यक्ति रहता था जो कुछ नहीं करता था डेम वैन विंकल वॉज हिज वाइफ डेन वैन वैन विंकल उसकी वाइफ थी शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड इंडिड वास्तव में वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी फॉर ऑल द केयर ऑफ हाउस पूरे घर की केयर एंड द चिल्ड्रन फेल अपॉन और बच्चों के लिए इंस्पाइट ऑफ हिजपा फॉल्ट इसके बावजूद रिप वॉज गुड नेचर जो रिप का नेचर था बहुत ज़्यादा गुड था ही वॉज़ ऑलवेज विलिंग टू अइंड डीड फॉर हिज फ्रेंड वो हमेशा अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए तैयार रहता था ही हैज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू ऑल द चिल्ड्रेन और उसके जो फ्रेंड थे सिर्फ चिल्ड्रेन थे When their plaything were broken, the children were always sure that he would mend them. जो बच्चे थे उनका यदि कोई भी टॉयज टूट जाता था तो उनको श्योर रहता था कि रिप वैन विंकल उसको सुधार देगा रिप हैड वन फेथफुल फ्रेंड रिप का एक विश्वासपात्र फ्रेंड था हाउ एवर इज़ ओल्ड डॉग उसका पुराना डॉग वॉल्फ वॉल्फ वॉज वेस्ट हंटर इन द विलेज और जो वॉल्फ था तो पूरे विलेज में वेस्ट हंटर था शिकारी था एंड मैनी वर्स द रेबिट और बहुत सारे रेबिट एंड कुछ पेराडेज विच दे कैच टूगेदर आफ्टर आई स्कोल्डिंग रिप वुड सेल फॉर हिज डॉग टेक हिज गन फ्रॉम द कॉर्नर इन द किचन एंड ट्रैम्प अवे इन टू द वुड जब भी रिप वैन विंकल विशल बजाता था तो जो उसका डॉग था तो किचन के कॉर्नर से उसकी गन ले आता था वन डे ऐट द एंड ऑफ ए लॉन्ग वॉक एक दिन बहुत ज़्यादा चलने के बाद रिप ले डाउन अंडर एन ऑक ट्री टूरेस्ट जो रिप था तो ऑक ट्री के अंदर सॉरी ऑक ऑक ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए लेट गया सडनली ही हियर्ड सम वन कॉलिंग हिम अचानक उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है रिप रिप कम एंड हेल्प मी रिप रिप आओ और हेल्प करो रिप फॉरगॉट हिड हाउ टायर्ड ही वाज। रिप भूल गया कि वो थका हुआ है एंड क्लेम्बर्ड डाउन द माउंटेन साइड और वो माउंटेन साइड ऊपर चढ़ गया ही केम अपॉन एन ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग वियर्ड साउटिंग फॉर हेल्प जब वह गया तो उसने देखा कि एक ओल्ड व्यक्ति चिल्ला रहा है हेल्प के लिए द मैन कैरीड ऑन कैग ऑन हिज बैग जो मैन था उसके बैग में एक कैग था टेकिंग द कैग ऑन हिज शोल्डर जो अपने शोल्डर पे वो लिया हुआ था रिप सेड विच वे डू यू गोर रिप ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है उसने क्या कहा फॉलो मी कमांडेड द लिटिल ओल्ड मैन सोर्डली जो ओल्ड मैन था उसने कहा कि मुझे मेरे साथ आओ दे इवेंट क्लाइम्बिंग अप द टॉप ऑफ द माउंटेन और वो माउंटेन के सबसे ऊपर पहुंच गए ऐट द वस द वैली ओपन बिफोर दम और वहा पे जहा वैली ओपन थी हाउ आर ट्वेंटी मोर लिटिल ओल्ड मैन उसी की तरह ट्वेंटी और ओल्ड मैन थे हो लुकड लाइक अ मैन विथ द केग जो वो ये कैग वाला व्यक्ति है इसी की तरह दिख रहे थे द लिटिल ओल्ड मैन वोर टॉल रेड कैप्स जो लिटिल ओल्ड मैन है तो उसने रेड कैप को पहना हुआ था दे आर कोट्स हैड लार्ज ब्रास बटन और उसके कोट में लार्ज ब्रास की बटन थी देयर ट्राउजर वर शॉर्ट और उसके ट्राउजर्स शॉर्ट थे ऑन देयर शूज वर यूज़ सिल्वर वक्कल और उसके शूज़ में सिल्वर वक्कल था दोज लिटिल ओल्ड मैन वर प्लेइंग नाइन पिंस और वो ओल्ड मैन नाइन पिंस गेम खेल रहे थे एंड द ग्रेट ग्रेट वुडन वॉल स्ट्राइकिंग पिन मेड्स नॉइज रंबलिंग थंडर एज द रिपर द ओल्ड मैन स्टॉप दे आर प्ले एंड लुक एट हिमड विथ सच आइज दैट रिप वॉज एफ्रेड जो ओल्ड व्यक्ति थे तो वो गेम खेल रहे थे नाइन पिंस का जब उन्होंने रिपैन विंकल को देखा तो उन्होंने अपना गेम स्टॉप कर दिया और उसको एक अजनबी की तरह देखने लगे जिसके कारण से रिप डर गया ही प्लेस्ड द केग अपॉन द ग्रॉस उसने अपना जो केग है तो जमीन पे रखा वन ऑफ द लिटिल ओल्ड मैन इम्पायर्ड इन टू अग मग एंड मोसन टू रिप टू पास देम अराउंड रिप ऑवेड ट्रम्बलिंग ऑल ओवर इन फियर उसमें से एक ने क्या किया एक ने मग बड़े मग से निकाला और रिप को दिया और बोला सभी को पास करो रिप उसकी आज्ञा मानते हुए डरते हुए उसने ये काम किया द लिटिल ओल्ड मैन ड्रंक इन साइलेंस एंड रिप्स फियर नाउ ग्रीवलेस जो लिटिल ओल्ड मैन था उसने ड्रंक किया इन साइलेंटली ही इवन डेयर टू टेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द मग इसके बाद रिप ने भी सोचा कि मैं भी टेस्ट करूं। देन वींग थ्रस्टी और वो बहुत ज़्यादा प्यासा फील हो पैसा महसूस कर रहा था रिप वेंट ऑन ड्रिंकिंग अंटिल ही हैड एम्पायर्ड सेवरल ऑफ देम उसके बाद रिप ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था